हेलो फ्रेंड्स, मैंने जेब्रोनिक्स का एक साउंड बार होम थिएटर डॉल्बी एटमॉस परचेज किया है विथ वायरलेस सबवूफर के साथ। तो आइए आज उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, और आपको अगर पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप परचेज भी कर सकते हैं। इस पर लिखा है 9800 DWS प्रो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार विथ वायरलेस सबवूफर। इधर कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, इस पर प्राइस लिखा है 54,999, बट मेरे को ये पड़ा 18,200 के आसपास। तो ऑफ़र में आपको भी ये मिल सकता है, तो नीचे दिए गए लिंक में जाके परचेस कर सकते हैं।
तो बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें मिलता है ये एक वायरलेस सबवूफर, जिस पर जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग है। पीछे इसके आप देख सकते हैं इस तरह से ये साउंड बार, जिस पर डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है। ऊपर ये चार बटन दिए हुए हैं, पावर बटन, वॉल्यूम बटन और मोड। इधर जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग है। पीछे पावर कॉर्ड, सॉकेट और तीन HDMI सॉकेट, USB सॉकेट दिया हुआ है। और भी बॉक्स के अंदर ये कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ केबल्स, बैटरी, रिमोट, ये सब चीज़ें मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना जो साउंड बार होम थिएटर था जेब्रोनिक्स का, उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आइए आप उसका जो फीडबैक है, साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं। मैंने कनेक्शन किया हुआ है, ये रहा साउंड बार, और उसके पीछे जो है सब वूफर जो कि वायरलेस है। और मैंने अपना जो MiTV है 65 इंच का, उसके साथ ARC मोड में कनेक्ट किया हुआ है टीवी को। ये मैंने रिमोट से ऑन किया, एक ये वेलकम लिखा हुआ आता है। इसमें बहुत सारे मोड है, इनपुट मोड, ऑप्टिकल, ARC, अलग अलग तरह के मोड दिए गए हैं। आप किस में सिलेक्ट करना चाहते हैं, ब्लूटूथ, ऑक्सिलरी, USB, ऑप्टिकल, ARC मोड। ARC के साथ टीवी के साथ कनेक्शन किया हुआ है। तो आइए हम अभी प्ले करके देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। हमने कॉपीराइट से बचने के लिए नो कॉपीराइट जो म्यूजिक वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। रुक जा।